नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में आप सबको पता है कि हम रीजनिंग में पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म, और इस सिलोजिज्म में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर चुके। आज की इस क्लास में एक नए हम टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारा सिलोजिज्म में ही टॉपिक होगा, और वो क्या होगा, इधर और। इधर और क्या होता है, यानी कम्प्लीमेंट्री। उस कम्प्लीमेंट्री पर हम पहले चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि उस कम्प्लीमेंट्री का जो बेसिक नियम है वो कहाँ फॉलो होगा और किस प्रकार फॉलो होगा, किस प्रकार हम निष्कर्ष में कम्प्लीमेंट्री को लगाते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उसके कुछ प्रश्न पर बात करेंगे कि किस प्रकार उसको हम एग्जाम्पल के रूप में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला प्रश्न इसमें कथन में कह रहा है कि सभी लड़के अभिनेता हैं, सभी जीरो हीरो हैं। अच्छा, सभी जीरो क्या है, हीरो हैं, कोई अभिनेता जीरो नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन दिया है आपको चार, कोई लड़का हीरो नहीं है, कुछ लड़के हीरो नहीं है, कोई हीरो लड़का नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कोई लड़का हीरो नहीं है। लड़का और हीरो कहाँ है, देखो लड़का कहाँ पे है, लड़के यहाँ पे है, हीरो यहाँ पे है ना, हीरो यहाँ पे है। अब देखो ध्यान से पहले इसमें, तो अगर इसको हम ऐड करें फर्स्ट और अगर हम सेकेंड को ऐड करें, क्या कुछ इन दोनों में कॉमन टर्म है, नहीं। अब क्या करना पड़ेगा हमको, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने के लिए थर्ड की सहायता लेनी पड़ेगी। अब देखो जब हम किसी की सहायता लेते हैं तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आता है। जैसे हमने दो पॉजिटिव को लिया और हमने दो पॉजिटिव को ऐड करने के लिए एक तीसरे सहायता लिया, तीसरा कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव जब आएगा तो वह पूरे सेंटेंस को निगेटिव कर देगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दो क्या है, दो हमारे क्या है, पॉजिटिव हैं, और हमने क्या किया, एक तीसरा ऐड किया और तीसरा भी क्या है, पॉजिटिव है। हमने दो पॉजिटिव को ऐड करने के लिए तीसरे की सहायता ली और तीसरा कैसा है, पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो कथन या जब दो पॉजिटिव रिजल्ट होंगे उसमें से अगर एक निगेटिव आ गया तो पूरे सेंटेंस को निगेटिव कर देगा, ये आपको याद रखना होगा। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने के लिए हम थर्ड की सहायता ले, लेकिन थर्ड कैसा है, निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव, और ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट देगा निगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कुछ तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में कॉमन मिल रहा है, जीरो जीरो। क्या हो जाएगा, कैंसिल। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, अभिनेता, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। बचा क्या, लड़के और हीरो। कह रहा है कुछ लड़के हीरो नहीं है, क्या कुछ लड़के हीरो नहीं है, नहीं, क्योंकि हीरो के पास 100 चाहिए है और हमारे हीरो के पास कितना है, 50% ही है। 50% को 100% नहीं बना पाएंगे, इसका मतलब यह है कि दूसरा क्या है, गलत। अच्छा, दूसरा गलत है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहला करते हैं, दूसरा तो ऑलरेडी गलत है। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कुछ लड़का हीरो नहीं है, सॉरी कोई लड़का हीरो नहीं है, क्या कोई लड़का हीरो नहीं है, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हीरो के पास कितना है, 50% ही है, और हमको चाहिए कितना, 100%। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत हैं। फिर कह रहा है कोई हीरो लड़का नहीं है। अब देखो कोई हीरो मतलब क्या होगा, कोई हीरो में हीरो क्या होगा, 100%, लेकिन है कितना हमारे पास हीरो, 50%। इसका मतलब थर्ड भी क्या है, गलत है। फोर्थ कह रहा है कुछ हीरो लड़के हैं, नहीं है, कुछ हीरो लड़के नहीं है, ये क्या है, ये सही है, क्योंकि हीरो के पास 50 चाहिए, है कितना, यहाँ 50% है, लड़के के पास यहाँ पे 100 है और यहाँ भी 100 चाहिए, और सेंटेंस मिलकर क्या देगा, निगेटिव, और ये कैसा है, निगेटिव है। तो फोर्थ क्या है सही, इसमें राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष फोर्थ क्या है, केवल निष्कर्ष फोर्थ हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, दो में कह रहा है सभी आम अंगूर हैं, फिर यहाँ पे कह रहा है सभी सेब संतरे हैं, कोई आम सेब नहीं है। ठीक है, ध्यान देने बात यहाँ पे क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि निष्कर्ष में क्या आपको चाहिए, आपको चाहिए अंगूर और संतरे। अंगूर संतरे कहाँ है, अंगूर यहाँ पे, संतरे यहाँ पे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में कोई भी कॉमन नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने के लिए थर्ड की सहायता लेंगे। थर्ड में देखो कॉमन क्या है, थर्ड में यहाँ पे सेब और सेब कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आम और आम कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और ये निगेटिव और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, मिलकर क्या देंगे, निगेटिव देंगे। ठीक है, क्या कोई अंगूर संतरे नहीं है, क्या नहीं, क्योंकि अंगूर के पास यहाँ पे 100 चाहिए, है कितना हमारे पास, 50%। पहला क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कोई संतरे अंगूर नहीं है,
तो अंगूर के पास हमको 100 चाहिए, है कितना 50, 50 को 100 बना पाएंगे? नहीं। कह रहा है कुछ संतरे अंगूर नहीं है, अंगूर के पास 100 चाहिए, है कितना 50, थर्ड भी क्या होगा गलत होगा। फिर कह रहा है कुछ अंगूर संतरे नहीं है, हाँ कुछ अंगूर संतरे नहीं है, क्या होगा बन जाएगा, क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि संतरों के पास भी कितना है 50% ही है, लेकिन हमको चाहिए कितना 100%, इसलिए फोर्थ भी क्या है गलत। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट हो जाएगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में कह रहा है कि सभी आम, हाँ कथन कह रहा है सभी आम अंगूर हैं, कोई आम सेब नहीं है, सभी सेब संतरे हैं। निष्कर्ष दिया है सभी अंगूरे, सभी अंगूर संतरे हैं, सभी संतरे अंगूर हैं। तीसरा है कुछ अंगूर संतरे हैं, फिर कह रहा है कुछ संतरे अंगूर हैं। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सभी क्या है, सभी क्या है पॉजिटिव हैं, लेकिन अंगूर और संतरे कहाँ मिलेंगे, संतरे यहाँ पे है, अंगूर यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने के लिए इन दोनों में कुछ कॉमन क्या मिल रहा है देखेंगे, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन नहीं है, तो हम सेकेंड की सहायता लेंगे। सेकेंड में क्या कॉमन है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में आम कॉमन है, और सेकेंड और थर्ड में सेब कॉमन है, यहाँ पे सेब और सेब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आम और आम कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है पॉजिटिव, जब हम दो पॉजिटिव को आपस में जोड़ेंगे एक तीसरे की सहायता से, किसके साथ कर रहे हैं, जो दूसरा की सहायता से इसको हम ऐड कर रहे हैं वो कैसा है निगेटिव, तो उस कंडीशन में रिजल्ट भी क्या देगा निगेटिव। जब रिजल्ट निगेटिव देगा तो सेंटेंस जो हमारे हैं यानी निष्कर्ष जो है वो सभी निगेटिव सत्य होंगे, लेकिन हमारे पास जितने भी निष्कर्ष सभी क्या हैं, सभी पॉजिटिव हैं, तो निगेटिव कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही नहीं, इसका मतलब चारों क्या हैं, चारों क्या हैं गलत हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो डी वाला क्या हो जाएगा बताओ, डी वाले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझे कि कैसे किसी दो कथन को हम तीसरे की सहायता से ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे और मिलकर रिजल्ट क्या देगा, ये हम समझ चुके हैं। आइए आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास इधर और के प्रश्न आ जाएं, कंप्लीमेंट्री के प्रश्न आ जाएं, तो कैसे उसको सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये रहा, ठीक है, या तो स्थिति यानी इधर और, इसका मतलब क्या है कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री जब बनेगा तो पहली बात ये याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, वो पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। पहली बात कि यह केवल निष्कर्षों पर ही लागू होते हैं। दूसरी बात, यह गलत निष्कर्षों पर ही लागू होते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों निष्कर्षों में यानी निष्कर्षों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ऐसा लिखो, दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो समान का मतलब क्या है, समान कैसे होगा ना, तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि समान कैसे होगा। एग्जांपल ये है, जैसे मैंने लिखा कि सभी बादल रंगीन हैं, ठीक है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष हमने लिखा, कुछ बादल रंगीन नहीं है। ठीक है, अब यहां पे हमने सी पॉइंट्स लिखा था कि दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। देखिए इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट क्या है, बादल और बादल, दोनों क्या है समान है। इसका ऑब्जेक्ट रंगीन और रंगीन, दोनों क्या है समान, ठीक है।
और फोर पॉइंट क्या लिखना है आपको, फोर पॉइंट ये आपको ध्यान देना है कि दोनों निष्कर्षों में से एक एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या, देखो पहले ध्यान से देखो, पहला यहाँ पे क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा क्या है निगेटिव। अब जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा और उसके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या होंगे, सेम, और वह निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा, तो उस कंडीशन में इधर और बना देगा, यानी कंप्लीमेंट्री बना देगा। अब कैसे बनाएगा, चलो देखते हैं, कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और इस प्रश्न बेसिक प्रश्न आपके लिए होंगे, फिर उसके बाद हम मिक्स प्रश्न आपसे सॉल्व करवाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है, देखो इसमें कथन दिया हुआ है, पहला कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। निष्कर्ष पहला है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। देखो यहाँ पे कुत्ता और बिल्ली आपको चाहिए, कुत्ता और बिल्ली कहाँ है, ठीक है, कुत्ता यहाँ पे है, बिल्ली यहाँ पे है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या, दोनों को ऐड करने के लिए हम जानते हैं दोनों में कॉमन टर्म होना चाहिए और किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। क्या यहाँ पे किसी के पास 100 है, नहीं, दोनों के पास 50% ही है, इसलिए जुड़ नहीं पाएगा। जब जुड़ेगा नहीं तो ये सेंटेंस क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। दोनों क्या है, चूहे बिल्ली और कुत्ता, दोनों क्या गलत हो गए। अब देखो जब हम बताए थे कि जब निष्कर्ष गलत होगा तब वहां पे हम कंप्लीमेंट्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इधर आर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे निष्कर्ष दोनों क्या है, गलत, अब यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कि इधर आर। पहला नियम लिखवाए थे कि दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, उसके बाद दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। देखो यहाँ पे कुत्ता, यहाँ भी कुत्ता, यहाँ बिल्ली, यहाँ बिल्ली। और तीसरा लिखवाए थे कि उसमें एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव, यानी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, है, हाँ ये भी है। तब क्या होगा, तब कंप्लीमेंट्री बन जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, या तो निष्कर्ष दूसरा सत्य है, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। आइए एक और निष्कर्ष देखते हैं, कथन हमारा क्या है, सेम है, निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है, कथन क्या है, सेम। देखो निष्कर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, निष्कर्ष क्या है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो कुत्ते यहाँ पे हैं, बिल्ली यहाँ पे, हम दोनों को ऐड करेंगे लेकिन ऐड नहीं हो पाएगा। अब अगर ऐड नहीं हो पाएगा तो हमको पता है कि निष्कर्ष निकल नहीं सकता, इसका मतलब यह है कि निष्कर्ष क्या है, गलत है। निष्कर्ष अगर गलत है तो हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री का प्रयोग कर देंगे। कंप्लीमेंट्री क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ पे कुत्ता, यहाँ भी कुत्ता, बिल्ली बिल्ली। उसके बाद क्या था, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव, तो ये क्या है, निगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, कंप्लीमेंट्री बना लेगा, कुछ नहीं और एक सभी, क्या करेगा, कंप्लीमेंट्री बनाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, या तो निष्कर्ष पहला सत्य है, या तो निष्कर्ष दूसरा सत्य है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस निष्कर्ष का, या तो एक या तो दो सत्य। चलिए आगे देखिए, इसमें एक और है निष्कर्ष, देखो यहाँ पे कह रहा है सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं और कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब कुत्ता और बिल्ली हम जानते हैं कि जुड़ नहीं पाएगा, और जब जुड़ेगा नहीं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि निष्कर्ष है, दोनों क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है, कथन सेम है, निष्कर्ष मैंने अलग अलग लिया है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अब इस कंडीशन में अब क्या होगा, कंप्लीमेंट्री बनाएगा क्या, देखो इन दोनों के पास कुत्ता यहाँ भी है, कुत्ता यहाँ भी है, बिल्ली यहाँ भी है, बिल्ली यहाँ भी है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, सेम है, और ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब है कंप्लीमेंट्री बनाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा एक कंप्लीमेंट्री में अपवाद है। अपवाद क्या है बच्चों, अपवाद ये है कि सभी के साथ कोई नहीं अगर आएगा तो कंप्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स और नोट करना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे नोट करिए, क्या अपवाद के रूप में एक अपवाद लिखिए कि अगर सभी के साथ कोई नहीं सेंटेंस आता है तो वह
कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये क्या है? ये अपवाद है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि सभी के साथ कोई नहीं कंप्ली, सभी के साथ सेंटेंस अगर कोई नहीं आएगा तो कंप्लीमेंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, ना तो एक ना तो दो, क्या होगा, ना तो एक ना तो दो सत्य है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो एक निष्कर्ष और लास्ट में निष्कर्ष लिया है, कथन हमारा सेम है, वही निष्कर्ष लिया है। कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं और सभी कुत्ते क्या हैं, चूहे नहीं हैं। पहला कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। अब कुत्ती, कुत्ते और बिल्ली कहाँ, देखो बड़ा ध्यान से, कुत्ते और बिल्ली कहाँ है, कुत्ते यहाँ पे हैं और बिल्ली यहाँ पे है। हमको पता है कि चूहे और चूहे ऐड नहीं कर सकते ना, तो देखो चूहे यहाँ पे है, चूहे यहाँ पे है, इन दोनों को ऐड हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास 50% ही है, किसी के पास 100% नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कथन है निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुत्ते और बिल्ली में सेंटेंस निकलेगा ही नहीं। दूसरा कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुत्ते और चूहे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि कथन हमारे पास दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये निगेटिव है, निगेटिव बिल्कुल देगा नहीं। इसका मतलब दूसरा भी क्या है, सही, यहाँ पे गलत है। अब दूसरों, जब दोनों निष्कर्ष गलत हो गए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में हम कंप्लीमेंट्री का प्रयोग करेंगे। कंप्लीमेंट्री के लिए क्या होगा, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। क्या सेम है, क्या नहीं सेम, अगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली है और यहाँ पे क्या है, चूहे, सेम नहीं है तो कंप्लीमेंट्री नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे है कि पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, और आप देखें यहाँ इस क्लास में हम बात कर चुके कि कंप्लीमेंट्री किस प्रकार फॉलो होता है और किस प्रकार से हम कंप्लीमेंट्री का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो वहां पे हम सभी प्रकार के, पूरे मिक्स प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद।